हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। ये मेरा नेटडोर वेरिएशन के ऊपर सेकंड वीडियो है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बिशप e3 वेरिएशन के बारे में बताया था। सिक्स मूव वाइट जब बिशप e3 खेलता है और उसके बाद का रिप्लाई जो ब्लैक की ओर से हमने देखा था नाइट f3 वाइट की ओर से, और बिशप e3 के सामने हम e5 जब खेलते हैं तो वाइट ने नाइट f3 किया तो आपको क्या रिप्लाई देना है। आज मैं खास आपको बताऊंगा कि बिशप e3 के सामने जब हम e5 खेलते हैं और वाइट अगर नाइट b3 करता है तो आपको गेम कैसे खेलनी है। दोस्तों, खास ये बात है कि मैंने कल ही सर्चिंग किया था तो बहुत सारे गेम्स ज़्यादातर आफ्टर बिशप e3 e5 देन नाइट b3 इसके ऊपर है। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे नाइट b3 वेरिएशन पे। नाइट f3 आपको सिर्फ एक दो बार देख लेना है, लेकिन नाइट b3 कंप्लीटली आपको रेडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। e4 c5 नाइट f3 d6 d4 c takes d4 knight takes d4 nf3 nc3 a6 एंड देन बिशप e3। इसके बाद का जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों, वो बिशप e3 नहीं है, वो बिशप g5 है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम बिशप e3 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बिशप e3 वेरिएशन में डीप में आपको हर एक मूव बाय मूव आंसर तैयार करने हैं। तो यहाँ पे आपका रिप्लाई होगा e5। तो e5 के बाद नाइट f3 जाता है तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे नाइट b3, जो कि खास जरूरत है नाइट b3। नाइट b3 बहुत सारी गेम्स में खेली गई है, इसीलिए मैं स्पेशली आज ये वीडियो बना के लाया हूँ आपके लिए। तो नाइट b3 के सामने ये एक गेम है एलेक्सी सिरोव की, जो वाइट से खेल रहे थे, जो नाइट b3, और उसके सामने ब्लैक ने रिप्लाई दिया था बिशप e6। तुरंत आपको देख लेना है कि आगे वाले जो वीडियो बनाए हैं उसमें बिशप e6 है या नहीं, क्या चेंजिंग है, दोनों में क्या डिफरेंट है नाइट f3 और नाइट b3 में। आप डिफरेंट निकाल लीजिए, आपको गेम की लाइन एकदम इजीली याद रह जाएगी। पहले डिफरेंट निकाल लीजिए कि इस मूव के बाद ब्लैक ने क्या रिप्लाई दिया। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शुरुआत के 11-12 मूव्स देखने हैं, कंप्लीट करने हैं, उसके बाद गेम डेटाबेस में से सर्च करने हैं, chessbytes.com, chessbase.com, जो भी आपको वेबसाइट मिले सभी में डेटाबेस अवेलेबल है। आप लेटेस्ट गेम भी देख सकते हैं और पुरानी गेम्स भी देख सकते हैं। यहाँ बिशप e6 रिप्लाई होगा। अब इस गेम में वाइट ने यहाँ पे h3 किया था, हालांकि ये h3 में एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क है, मतलब अनक्लियर मूव है, थोड़ी सी सही भी है और थोड़ी सी गलत भी है। अब कुछ गेम में h3 नहीं करते हैं, वाइट अर्ली अटैक भी करते हैं, तो इसे मेन लाइन में हम h3 लेंगे। 8 मूव नंबर 8 वाइट f4 कर सकता है अर्ली अटैक के लिए। f4 के बाद आपको e takes f4 करना है, आफ्टर bishop takes f4 knight c6 सिंपल डेवलपमेंट। knight c6 के बाद वाइट खेलेगा queen d2। queen d2 में यहां आपको रिप्लाई देना है d5। तो ये छोटा सा चेंजिंग है अगर कोई अर्ली अटैक करता है, ज्यादा कैलकुलेशन वाले मूव नहीं है, सिर्फ दो मूव के बाद आपको अलर्ट भी रह जाना है दोस्तों। e4 c5 nf3 d6 d4 cd4 knight d4 nf6 nc3, ये सारे फोर्स मूव है, ध्यान रखना। यहाँ पे a6 बिशप e3 e5 देन नाइट b3, और यहाँ पे ब्लैक को रिप्लाई देना है बिशप e6
आफ्टर बिशप e6 वाइट ने यहाँ पे h3 खेला था। हालांकि मैंने बताया कि f4 कई लोग खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ब्लैक के लिए। बिशप e7 आप खेलना है सिंपल। उसके बाद वाइट प्लेड क्वीन f3। क्वीन f3 ज्यादातर ये अर्ली अटैक वाले मूव हैं। यहां पे आप सिंपल कैसल कर सकते हो। इस पोजीशन में ज्यादातर व्हाइट लॉन्ग कैसल करता है, तो लॉन्ग कैसल और डायरेक्टली अपने क्वीन पे एक्सरे अटैक आता है। एक्सरे अटैक आने के बाद यहां पे दोस्तों एक और बात खास बताऊंगा कि अगर व्हाइट ने यहां पे अर्ली अटैक करना चाहा और कैसल के बजाय g4 किया तो यहां बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है व्हाइट के लिए। ये पोजीशन आपको पुश करके देख लेना है, वीडियो पॉज करके देख लेना है कि g4 के बाद क्या व्हाइट कर सकता है, ब्लैक क्या कर सकता है। तो यहां पे ब्लैक a5 करके अपनी ओर से जल्दी अटैक कर लेगा, क्योंकि a5 बहुत ही अटैकिंग मूव है। यहां पे व्हाइट को कंपलसरी a4 करके उसे स्टॉप करना पड़ेगा और a4 के बाद नाइट c6 और क्वीन साइड अटैक शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक g4 वाली मूव है जो आपको खास ध्यान में रखना है कि इतने मूव के बाद अगर व्हाइट ने बिना कैसल किए g4 कर दिया तो आपको सिंपल a5 a4 करके अटैक चालू कर देना है। मेन मूव है लॉन्ग कैसल। व्हाइट को करना चाहिए लॉन्ग कैसल। ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट को क्या करना चाहिए, सामने वाले को कौन से मूव में ओपनिंग में क्या करना चाहिए। इतना आपको अगर पता है तो आपको सारे रिप्लाई आ जाएंगे लॉन्ग कैसल। अब यहां पे आपको वीडियो पुश करके मुझे बताइए कि ब्लैक को क्या करना चाहिए, ब्लैक को डेवलपमेंट करना चाहिए या फिर अर्ली अटैक करना चाहिए। आप वीडियो पुश करके मुझे आंसर दीजिए। मैं बताता हूं इसमें आंसर ये है कि ब्लैक को नाइट डेवलप करने के बजाय डायरेक्टली b5 करना है। एक मूव की गेम है सिसिलियन में, खास ध्यान रखो। बहुत सारी गेम ऐसी हुई है कि व्हाइट वन मूव में चेकमेट कर रहा होता है और उसी मूव से पहले ब्लैक नेक्स्ट मूव में पहले ही चेकमेट कर देता है। तो ये पूरी सिसिलियन नेसडॉर्फ सिर्फ एक मूव की गेम है, मतलब एक मूव कौन सा जल्दी करना है ये आपको खास ध्यान रखना है। और बहुत ही इजी लाइन है नेसडॉर्फ, बहुत ही इजी लाइन है दोस्तों। जितनी आप गेम प्रैक्टिस करोगे जल्दी आ जाएगा। व्हाइट यहां खेलेगा g4 क्योंकि व्हाइट का कैसलिंग हो चुका है। अब ये पोजीशन में व्हाइट शॉर्ट साइड मतलब किंग साइड अटैक करता है और ब्लैक ऑलवेज क्वीन साइड मतलब हमारी क्वीन साइड और सामने वाले के किंग साइड अटैक करता है। दोनों अपने अपने अपोजिट कैसलिंग के ऊपर अटैक चालू करते हैं। जो प्लेयर मूव वेस्ट करता है या मूव में थोड़ा लेट हो जाता है वो गेम लॉस हो जाता है। सिर्फ एक मूव की गेम है, खास ध्यान रखो। g4 के बाद यहां तुरंत आपको b4 करना है, वेट नहीं करना है। अब b4 यहां नाइट d5 खेलेगा व्हाइट, तो नाइट d5 के रिप्लाई में आपको नाइट टेक्स नाइट मार देना है। नाइट टेक्स नाइट e takes d5 ये कंपलसरी मूव है। और उसके बाद में एक सरप्राइज मूव है bishop c8। अब bishop c8 ये एक्सक्लामेशन मार्क दे सकते हो, इसमें आप bd7 खेल सकते हो, लेकिन bd7 से बेटर bishop c8 उसका जो मूव है bishop b7 का प्लान है। तो यहां पे आपके मूव हो गए ओपनिंग के कंप्लीट। यहां से आप जितना अच्छा सोच के खेलोगे आप गेम जीतोगे। अब ये पोजीशन से हम आगे गेम में आपको दिखाता हूं जो सिरोव की गेम है उसमें क्या हुआ था। ओपनिंग आपको सिर्फ इतनी लिखनी है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। पूरी गेम लिखने जाओगे तो बहुत सारी गेम से दोस्तों डेटाबेस में इतनी सारी गेम लिख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, तैयारी नहीं हो पाएगी। ओपनिंग तैयार करने के लिए सिर्फ 11-12 मूव कंप्लीट कर लो और मैंने जो बताया है वो मूव के ऊपर खास की मूव आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा खास। तो दोस्तों इसके बाद
व्हाइट ने खेला था बिशप डी थ्री और ब्लैक ने ए फाइव किंग साइड अटैक चालू किया है। व्हाइट ने नाइट सी फाइव, अब नाइट सी फाइव सेक्रीफाइस, एक टाइप से सेक्रीफाइस है। यहां पे अगर आप टेक्स करते हो पॉन टेक्स तो ब्लैक की पोजीशन थोड़ी सी डैमेज होती है क्योंकि यहां पॉन पुश होता है और डबल अटैक डिस्कवर ऑन रूक और पॉन से बिशप बैक। तो ये पोजीशन में ब्लैक ने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया, ब्लैक ने अपना अटैक कंटिन्यू रखा ए फोर। व्हाइट ने नाइट ई फोर मैनोरिंग किया और यहां पे ब्लैक ने खेला था बिशप ए सिक्स, व्हाइट ने जी फाइव कंटिन्यू अटैक चालू रखा, ब्लैक ने बी थ्री, उसके बाद व्हाइट ने ए थ्री करके अटैक को स्टॉप कर दिया। यहां पे ब्लैक ने क्वीन सी एट पॉन टेक्स पॉन की थ्रेट है। सी थ्री व्हाइट ने खेला था रिप्लाई में और ब्लैक ने बिशप टेक्स डी थ्री एक्सचेंज कर लिया आफ्टर रूक टेक्स डी थ्री नाइट डी सेवन डेवलप कर दिया। नाइट डी सेवन के बाद व्हाइट ने यहां पे गेम में रूक जीवन किया था। यहां पे ब्लैक से आपको वीडियो पुश करके मुझे आंसर देना है कि ब्लैक से क्या खेलना चाहिए जो अपने किंग साइड अटैक आ रहा है उसे स्टॉप करने के लिए। तो आंसर ये है दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक को एफ फाइव करना चाहिए और वैसे ही ब्लैक ने किया था एफ फाइव। एफ फाइव के बाद जी क्रॉस एफ सिक्स एन पास और यहाँ पे रास्ता क्लियर करने के लिए ब्लैक ने बिशप क्रॉस सॉरी नाइट क्रॉस एफ सिक्स किया। नाइट क्रॉस एफ सिक्स व्हाइट ने एक्सचेंज किया नाइट टेक्स एफ सिक्स और यहाँ ब्लैक ने रिप्लाई दिया था रुक टेक्स एफ सिक्स और क्वीन के ऊपर थ्रेट। रुक टेक्स एफ सिक्स क्वीन जी फोर चेकमेट और एक्सचेंज की थ्रेट है। तो यहाँ क्वीन जी फोर के बाद क्वीन एफ एट ब्लैक ने एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि ब्लैक की पोजीशन काफी स्ट्रांग है। क्वीन एफ एट के बाद रुक डी डी वन, व्हाइट ने यहाँ पे रुक को बैक ले लिया है, रुक की बैटरी बनाने का प्लान है। क्वीन एफ सेवन और ये थ्रेट थी डी फाइव पे, अगर रुक आप हटाते हो तो मैं क्वीन टेक्स डी फाइव कर लूंगा, जैसे पोजीशन पकड़ के रखी है। एच फोर व्हाइट ने अटैक कंटिन्यू रखा है, रुक जी सिक्स यहाँ पे स्क्यूअर, क्वीन ई फोर रुक टेक्स जी वन एक्सचेंज, रुक टेक्स जी वन फिर बिशप क्रॉस एच फोर, यहाँ पे एक पॉन प्लस हो गया। बिशप टेक्स एच फोर क्वीन क्रॉस एच फोर गलत मूव है, आप वीडियो पुश करके देख सकते हो कि ये सोचने वाली बात है कि ब्लैक ने बिशप क्यों सेक्रीफाइस किया है। ऐसी कौन सी मूव होगी जो व्हाइट को तुरंत लॉस कर देगी। तो क्वीन क्रॉस एफ फोर अगर एच फोर मारता है तो क्वीन एफ फाइव देन अनस्टॉपेबल चेकमेट आ सकती है। तो इसीलिए व्हाइट ने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया इस गेम में और बिशप क्रॉस एच फोर करने से मना कर दिया। तो बिशप क्रॉस एच फोर के बाद रुक एच वन, व्हाइट ने रिप्लाई दिया था कि अगर बिशप हटाओगे तो मैं चेकमेट और कंटिन्यूस चेक दूंगा। तो रुक एच वन के बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया जी फाइव सपोर्ट किंग डी टू, व्हाइट अब थोड़ा सेफली खेलना चाहता था और यहाँ पे बिशप क्रॉस एफ टू एक एक्सक्लामेशन मार्क वाली मूव है। जैसे कि यहाँ कोई सपोर्ट है क्वीन का तो बिशप क्रॉस एफ टू बिशप क्रॉस जी फाइव व्हाइट ने रिप्लाई दिया था और यहाँ क्वीन जी सिक्स, अब व्हाइट ब्लैक ने एक्सचेंज ऑफर किया क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। क्वीन जी सिक्स के बाद एक्सचेंज हो गया क्वीन टेक्स जी सिक्स एच टेक्स जी सिक्स, एंड गेम में कन्वर्ट हो गई गेम और बाद में धीरे धीरे ब्लैक विन। किंग ई टू बिशप सी फाइव
इक्वल सेम कलर के बिशप है। और ये गेम बहुत लंबी चली थी, 60 मूव के बाद ये गेम में ब्लैक को विनिंग हुई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बिशप e3 वेरिएशन में नाइट b3 के बारे में। और भी नाइट b3 के बारे में मेरे पास 6 गेम है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बिशप e3, नाइट b3 और बिशप e6, उसके बाद मूव चेंजिंग। इस गेम में 8 वाला मूव जो था वो आपको ध्यान रखना है कि नाइट b3 के बाद 8 मूव व्हाइट ने क्या किया था। क्वीन f3 और अलग अलग बिशप e7 8 मूव में व्हाइट ने किया था क्वीन f3। नेक्स्ट गेम में देखेंगे 8 मूव में व्हाइट ने f3 किया था तो गेम का कन्वर्ट हुई थी। कुछ गेम्स देखने के बाद और भी वेरिएशन हम सीखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, क्योंकि 1x1 सारे वीडियो नेसडॉर्फ के आपके लिए तैयार करता रहूँगा। तो जुड़े रहिए और नेसडॉर्फ में अपनी मास्टरी तैयार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।